हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की। देखिए, 17 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न वैकेंसियों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एचआरटीसी में इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको इन अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एचआरटीसी में निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टर के 12 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने इन पदों को जल्द भरने का फैसला लिया है। तो देखिए, पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में सरकार के द्वारा इन पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है और इन पदों के लिए 85 नंबर की लिखित परीक्षा और उसके बाद 15 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो देखिए, इसके अलावा मंत्रिमंडल की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है ताकि विभिन्न मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके। तो देखिए, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 7 पद और सांख्यिकी सहायक स्टैटिक असिस्टेंट के 10 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, इन सभी पदों को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।